पैराबोला कहते हैं परवलय। पैरा मतलब से, बोला मतलब फेंकना, से फेंकना। जब आप कोई बॉल फेंकते हो तो बॉल ऐसा करके जब फेंकोगे तो जो शेप लेती है वो पैराबोला की शेप। ठीक है, परिभाषा इसकी क्या बनती है? एक निश्चित बिंदु से एक बिंदु घूम रहा है किसी तल में, उसमें एक निश्चित बिंदु है, मान लीजिए एफ कह दिया हमने, एक निश्चित रेखा है। ठीक है, इस निश्चित बिंदु से किसी बिंदु की दूरी अगर किसी निश्चित रेखा से दूरी के बराबर हो, ठीक है, इसे एस भी कह सकते हैं, तो वो तो ये जो बिंदु, इस तरह के जितने भी बिंदु होंगे जिनकी इससे दूरी जो है, यहाँ भी आ सकता है बिंदु ये, तो इसकी इससे जब दूरी निकालते हैं तो ये इस पर डाले गए लंब के बराबर होता है। ऐसे सारे बिंदुओं को अगर हम जोड़ दें तो जो आकृति आती है वो आकृति कहलाती है परवलय। की परिभाषा क्या है? ऐसे बिंदुओं का समुच्चय या ऐसे बिंदुओं से बनी आकृति जो एक निश्चित बिंदु और निश्चित रेखा से बराबर दूरी पर होता है। ये आप किताब से अपना लिख लोगे परिभाषा, ये मैं नोट में देता हूँ। परवलय की शुरुआती आप यहाँ से करें, ठीक, क्या है परवलय की परिभाषा? एक निश्चित बिंदु से या ऐसे बिंदुओं का समुच्चय जो एक निश्चित बिंदु और निश्चित रेखा से बराबर दूरी पर होते हैं क्या कहलाता है? परवलय कहलाता है। लिखिए, ऐसे बिंदुओं से निर्मित आकृति जो एक निश्चित बिंदु तथा निश्चित रेखा से समान दूरी पर, जल्दी जल्दी मत देना। अब हम जो परवलय पढ़ेंगे वो निश्चित बिंदु जो होगा और जो निश्चित रेखा होगी उस निश्चित बिंदु को हम कहेंगे फोकस नाभि। निश्चित बिंदु क्या कहेंगे? निश्चित बिंदु को हम पुकारेंगे नाभि, इसे यूं कहते हैं फोकस, यू आर, ठीक। और जो निश्चित रेखा है उसे हम कहते हैं नियत, ठीक। अब ऐसे तो परवलय करोड़ों बन जाएंगे, किसी भी दिशा में बन जाएंगे, लेकिन कक्षा 11 में क्योंकि हम स्टार्टिंग पढ़ रहे हैं, हम केवल उन्हीं परवलय को पढ़ेंगे जिसकी नियता x या y अक्ष पर लंब है, ठीक है। केवल उन्हीं को पढ़ेंगे जिसकी नियता x या y अक्ष पर लंब। तो हम अपनी पूरी जो परवलय की कंसेप्ट है उसको वहां ले जाते हैं जहां पर जो निश्चित रेखा है वो x या y अक्ष पर लंब है। बात समझ में आ गई? नंबर दो कंडीशन ये है कि जो निश्चित बिंदु है वो x अक्ष पे होगा या y अक्ष। बात समझ में आ गई? दो स्थितियां होंगी कि निश्चित बिंदु भी अक्षों पर होगा और जो नियता है निश्चित रेखा है वो भी अक्ष पर लंब होगी। एक और स्थिति डाल देते हैं, वो क्या है कि केवल इस तरह की दो स्थिति आई ना हमारे पास, या तो एक्स अक्ष पर लंब है या जो नियता है वो वाई अक्ष पर लंब है। यहां पर ये नियता है और यहां पर ये नियता। नियता को अंग्रेजी में कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? डायरेक्ट्रिक्स। शायद एक्स आता है या सी एस आता है, सी एस आता है, डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर हो गया ना? अब जो निश्चित बिंदु है वो भी एक्स पे होगी। अगर डायरेक्ट्रिक्स नियता एक्स अक्ष पर लंब है तो जो आपका निश्चित बिंदु है वो एक्स अक्ष पर उतनी दूरी पर होगा मूल बिंदु से जितनी दूरी पर आपका ये
इसको हम एन कहते हैं, तो जितनी दूरी पर मूल बिंदु से ये आपका नियता अक्ष को काट रही है उतनी दूरी पर आपका फोकस होगा, ये नाभिक। तो नाभिक के निर्देशांक अभी निकालेंगे। अगर नियता वाई एक्स पर लंब है तो नाभि भी वाई एक्स पर होगी और उतनी दूरी पर होगी जितनी दूरी पर मूल बिंदु से नियता नाभि को काट रही है। तो नियता नाभि को यहां काट रही है, जितनी दूरी है उतनी दूरी पर एक बिंदु ले। अगर मैं इस दूरी को a कह दूं ना, तो इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे? बात समझा दे, अरे क्लियर है बात। और इस बिंदु का निर्देशांक कितने हो जाएंगे? ये तो मूल बिंदु है, मूल बिंदु से इधर धनात्मक और इधर ऋणात्मक, इस बिंदु का निर्देशांक कितने हो जाएंगे? एक ऐसी रेखा का समीकरण, हम रेखा का समीकरण पढ़ चुके हैं, एक ऐसी रेखा का समीकरण जो x अक्ष पे लंब है, x अक्ष पे लंब रेखा का समीकरण क्या होता है? x बराबर माइनस है, बिल्कुल ठीक, क्योंकि इस रेखा के प्रत्येक बिंदु पर x का मान कितना होगा? चाहे आप दूसरा तरीका लगा लो, रेखा का प्रवणता बिंदु रूप लगा लो, प्रवणता कितनी आएगी इसकी, इस रेखा की प्रवणता कितनी आएगी? x अक्ष पर लंब है 1090 आएगी, 1090 का मतलब 1/2, और ये रेखा किस बिंदु से होकर जा रही है? माइनस 1/2, तो एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का y माइनस y1 बराबर m गुणा x माइनस x1, ये जीरो से गुणा कर दोगे तो x प्लस 1 इसके बराबर आ जाएगा जीरो, यानी इसका समीकरण जो आएगा चाहे इसको इधर ले जाओ ऐसे समझ लो कितना हो गया x प्लस 1 बराबर जीरो। तो परवलय में सबसे पहले हमने निकाला नियता का समीकरण, कितना निकल कर आया? x प्लस ए बराबर। दूसरी बात, नाभि के निर्देशांक, नाभि के निर्देशांक कितने आए? एक और, इस वाले की बात हो रही है, इसकी नहीं हो रही है। और अक्ष क्या होगा इसका? जिस अक्ष पर नाभि होती है वही परवलय का अक्ष होता है। कौन से अक्ष पर नाभि? एक्स अक्ष पर। तो अक्ष कौन सा होगा इसका? कोई दिक्कत? आकृति कैसी होगी इसकी? जब आप इस तक, अब आकृति आएगी कैसे सवाल में? आकृति तो उन बिंदुओं से आएगी जिस बिंदु की यहां से दूरी इस पर डालेंगे लंब के बराबर हो, वो बिंदु कहाँ होगा? यहाँ होगा लगभग। इतनी दूरी मान लो हमने यहाँ पर लंब डाला है, अब इतनी दूरी होनी चाहिए जितनी ये है, तो ऐसे जितने भी बिंदु आएंगे, अगर ये लंब है और इसको मैं एम कह दूं तो परवलय का प्रतिबंध क्या है? कोई भी बिंदु किसी परवलय में अगर स्थित है तो उसका प्रतिबंध यह है कि बिंदु की निश्चित बिंदु से दूरी और बिंदु की सरल रेखा से दूरी आपस में कैसे होगी? बराबर, यानी पी एस बराबर पी एम, ऐसे बिंदुओं का समुच्चय। तो हम मान लेते हैं पी जो है उसके निर्देशांक का एक्स कॉमा वेरिएबल है, एक्स का मान वाई कॉमा बदलते जाओ बिंदु आगे चले जाएंगे, लेकिन मुझे कौन से बिंदु चाहिए? वो सारे बिंदु चाहिए जिन बिंदुओं की इससे और इससे दूरी आपस में कैसी है? बराबर, मतलब इस बिंदु की जो भी बिंदु होगा उसकी नाभि और नियता से दूरी आपस में बराबर, और किसी बिंदु से किसी रेखा की दूरी हमेशा लंबवत होती है। तो वो क्या रहा है? एक बिंदु से रेखा पर डाला गया लंब, बिंदु से रेखा पर डाला गया लंब की लंबाई कैसे निकलती है ये आप अच्छे से जानते हैं, याद आ रहा है कुछ? एक बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई ax1 + by1 + c / √a² + b² एक साथ में बोल दिया इसलिए कम समझ में आया, अभी याद आ गया। अब हमारे पास स्थिति यह है ps, ps तो दो बिंदुओं के बीच का दूरी, ps का मान कितना होगा? वर्गमूल x माइनस a + y -
और पीएम क्या है, पी से इस रेखा पर डाला गया। इस रेखा का समीकरण क्या है, एक्स प्लस पी बराबर जीरो, और बिंदु क्या है x, y। तो इस x, y से इस x plus a बराबर जीरो पर लंब डाला जाएगा, उसकी लंबाई कैसे निकलेगी, x और y इसमें रख दो, x plus a, x की जगह x से आ गया, बटे वर्गमूल x के गुणांक का वर्ग, x का गुणांक कितना है एक, प्लस y के गुणांक का वर्ग y है, यही तो सूत्र है। किसी बिंदु से x1, y1 अगर बिंदु है, एक सरल रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है, यहाँ से अगर इस पर लंब डाला जाए उसकी लंबाई d है, तो d का मान ये तो निकल के आता है कि ये बिंदु इस रेखा पर तो बटे वर्गमूल x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक, ये एक बिंदु से एक रेखा की दूरी निकालने का तरीका है, जब हमें रेखा का समीकरण पता है और बिंदु पता है। इसे हल कर लो, तो कितना हो गया भैया, वर्ग बदल ले जाओ, x माइनस a का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर x प्लस a का, कितना होगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax, x स्क्वायर से x स्क्वायर a स्क्वायर से a स्क्वायर बन गया, तो y स्क्वायर बराबर आ गया 2ax प्लस 2ax, इसका मतलब y स्क्वायर बराबर हो गया। ये आपका परवलय का स्टैंडर्ड समीकरण है, अभी समीकरण है जो आपको याद है, और ये किसके लिए आया है, जो परवलय, और किस परवलय का समीकरण है, और परवलय बनेगा कैसे, जब आप इस तरह के सारे बिंदु इकट्ठे करोगे तो इस तरह से आकृति आएगी, सारे बिंदु जो यहाँ स्थित होंगे उसकी इससे दूरी इससे दूरी का आपस में बराबर होगा, यानी ये किस परवलय का समीकरण निकला जिसका अक्ष कौन सा है x, इसके नाभि कितनी है एक, इसकी नियता कितनी है x बराबर माइनस, समझना नहीं बात, x x y, और ये जो बिंदु है ये कहलाता है शीर्ष, क्या कहलाता है शीर्ष, इस परवलय का शीर्ष कितना होगा, जीरो, ये हमने उस परवलय का समीकरण ज्ञात किया है ये हेडिंग, उस परवलय का समीकरण ज्ञात कर लिया जिसकी नियता x प्लस a बराबर जीरो थी, जिसका नाभिक अल्पसंख्यक a कॉमा जीरो था, जिसका अक्ष x अक्ष था, और जिसका शेष जीरो कॉमा जीरो था, उसका समीकरण होता है y स्क्वायर बराबर 4a। और क्या क्या चीज इसमें खास बात दिखाई दे रही है, हम देख रहे हैं कि नाभि और नियता जहां x अक्ष को काट रही है उसका मध्य बिंदु शीर्ष है, नाभि और नियता और अक्ष का जो कटान बिंदु है वो, तो उन दोनों बिंदुओं का जो मध्य बिंदु है वो कौन है, शीर्ष करके देख लो, x1 प्लस x2 बटे दो, a माइनस a बटे दो जीरो, और जीरो प्लस जीरो बटे दो। अब जब हम कंपटीशन में की तरफ जाते हैं तो कंपटीशन में नियता ये नहीं होगी, नियता ऐसी होगी उल्टी सी, नाभि यहां कहीं होगी, बिंदु यहां डालना होगा, बिंदु से इसकी दूरी इस पर डालेगा लंब के बराबर होगी, ठीक है, तो इस रेखा का समीकरण हमें पता होगा, इसके लंब रेखा से प्रवणता निकल आएगी, ठीक है, वो यहां से होके जा रही है, ये बिंदु आपको दिया होगा, इस बिंदु से आप ये वाला बिंदु निकाल लोगे, ठीक है, और एक आपके पास यहां से लंब डालोगे, ये क्या है नाभि, नाभि से जो लंब आएगा और जो नियता होगी, नाभि नियता, हाँ ये नाभि से लंब डाला, इसका और इसका जो मध्य बिंदु होगा ये नाभि मान लो, ये नाभि मान लो, थोड़ा सा गड़बड़ होगा, इसको नाभि नहीं है, ये बिंदु है P x कॉमा y, इसके निर्देशांक नहीं पता, ये नाभि है, इसके निर्देशांक पता है, तो इसका समीकरण पता होगा,
इसके लंब रेखा का समीकरण निकालोगे वो इस बिंदु से होकर जा रहा है, इसका समीकरण आएगा दोनों समीकरण वही करोगे, ये बिंदु आएगा दोनों को जोड़कर दो से भाग करके मध्य बिंदु निकालोगे वो शीर्ष आ गया, वो शीर्ष फिर से मिलेगा इस तरह से आप प्रबले बनेगा। शुरू में ये समझाना शुरू कर दे तो बच्चे कुछ समझ नहीं, इसलिए चीजों को आसान करके ग्यारहवीं क्लास के सिलेबस को उन्होंने कह दिया कि खाली उन्हीं प्रबले का अध्ययन कर लो जिनका जो शीर्ष है वो एक्स अक्ष या वाई अक्ष पर स्थित है। अभी मैंने केवल एक ही स्थिति बताई है, ये वाली स्थितियां होती है चार, क्योंकि ये नियता इधर भी हो सकती है, शीर्ष इधर ये नाभि इधर पहुंच जाएगी, ये नियता यहाँ हो सकती है नाभि नीचे आ जाएगी, चार केस बनेंगे। अभी खाली एक ही बताया उसी का, बाकी की बात करते हैं।